अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मालूम है ईद तो करीब है, शॉपिंग तो होना ही चाहिए सबके घरों में। लगे हाथ हमला भी कर लिए कल जाके शॉपिंग। अभी मेरी बहन का है ये सब, तो मेरा अभी होने का है, मेरे बच्चों का, मेरा, हम दोनों बहना एक साथ रहते यहाँ पे। सुबह देखो अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ से लिए, क्या क्या करे, क्या क्या चीज़ें लिए। सुने ना, अब हैदराबाद में तो मशहूर है जगह अपने को मल्लापल्ली, टोली चौकी, चार मीनार। मगर क्या है, अब चार मीनार जाना बोले तो बहुत रिस्की मामला है रमज़ान के महीने में। देखो ये क्या है, सो मल्लापल्ली से लिए हम लोग टॉपा, टॉपा है ये टॉप है। अब तो कफ्तान तो इतना फेमस हो गया है यहाँ पे, इतना चल रहा है ये ट्रेंड, तो इतना हो गया है बच्चियों के लिए, कॉलेज के बच्चियों के लिए। देखो ये ट्राउज़र वगैरह, लेगिंग्स वगैरह इतने हैं, जेगिंग्स वगैरह, देखो कप्तान। और ये है सो मदीना बाज़ार में से लिए से है। देखो ये तो मदीना बाज़ार में इतना अच्छा कपड़ा है, मदीना बाज़ार में तो इतने सस्ते कपड़े हैं। मैं गई तो इंशाल्लाह वहाँ का भी ब्लॉग लेके आप लोगों को डालूँगी, आप लोग जाइए वहाँ पे भी, इतनी अच्छी ख़रीदारी कर सकते कम पैसों में, और इतना अच्छा अपने खुद का डिज़ाइनर अपन ड्रेस भी बना ले सकते। देखो वहाँ पे जाके मदीना बिल्डिंग में, और कपड़ा भी इतना सस्ता है। आजकल तो ट्रेंड हो गया डालने का यूट्यूब पे, ये जो दुकाना वाले डाल रहे नहीं, ये भी देखो ये तो मल्लापल्ली से लिए सो है हम वहाँ, ये भी ये ड्रेस है। और बच्ची के लिए, हमारी छोटी भांजी के लिए देखो चूड़ियाँ, कांटे, देखो हेयर बैंड्स, ये देखो ये बैंड है, देखो ये वाला बैंड है, उनके बाला ज़रा छोटे हैं इस वास्ते क्या है। देखो देखो ये हमारे, ये बहन लिए हमारी ये सेट इसके ऊपर पहनने के लिए, ये बालियाँ हैं, देखो ये चूड़ियाँ हैं छोटी भांजी के लिए मेरी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को एक भांजी एक भांजा है, ये है इनके उनके उनके लिए है ये सेट। ये मेरा ये कांटा है, अभी ये मेरा देखो पहला व्लॉग है जो मैं स्टार्ट करी। अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो भी आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए कि मेरे से कुछ गलत बोला जा रहा या गलत दिखाया जा रहा, आप लोग प्लीज़ सजेशन दीजिए मेरे को, ठीक है ना। और मैं क्या है अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, मैं मेरे को इजाज़त नहीं है वो चीज़ की। इंशाल्लाह हस्बैंड का सपोर्ट इसमें रहा तो बस है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड का सपोर्ट रहना ही बहुत है अपने लिए। देखिए ये भी है जो कि इस पे मैचिंग के लिए है मेरी बहन के लिए, और ये भी इतना सस्ता है, इतना सस्ता है। अब के तो चूड़ियाँ बालियाँ वगैरह का तो इतना ट्रेंड चल रहा है ना, और हर शादी खाने में आप जाके देखिए एक्सपो खुले हुए हैं। और देखिए ये भी मदीना बिल्डिंग से लिए से है हम लोग। इंशाल्लाह मैं अगर गई ना तो वहाँ का भी व्लॉग आपसे लेके डालूँगी कि कपड़ा कितना सस्ता, क्या रेट से मिल रहा, क्या है। अब हैदराबाद की तो लेडीज़ जाती नहीं ना, वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये प्लाजो टाइप है, देखिए ये प्लाजो है ये। और आप लोग जो भी रमज़ान में फितरा ज़कात निकालते हैं वो प्लीज़ निकाल दीजिए, लास्ट रोज़े है, जो नए निकाले उन्हों निकाल लीजिए। जो भी ज़कात नए निकाले, फितरा नए निकाले, प्लीज़ निकाल दो, अभी रमज़ान आखिरी का है, आखिरी के रोज़े है, जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। जिसका नहीं कपड़े नहीं है उनको कपड़े दीजिए, ऐसा नहीं कि अपन ही ले रहे, अपन ही ख़रीद ले रहे बोले जैसा नहीं। मैं भी क्या है, मेरे पास भी जितना भी थोड़ा बहुत भी रहेगा मैं भी इसमें से थोड़ा है तो थोड़ा मैं भी करती हूँ लोगों को, ऐसा बोल के नहीं कि मैं जता रही हूँ या ऐसा आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी किसी की हेल्प करिए, किसी की दुआ लीजिए,
दुआ बहुत काम आने वाली रहती है अपने को फ्यूचर में, अपने अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। प्लीज़ बुरा मत मानिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरे को बोलिए, सजेशन दीजिए अच्छे से अच्छे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें। क्यों बोलते, ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है, मैं शॉर्ट्स भी डाली हूँ थोड़े बहुत, मगर उतना आइडिया नहीं है मेरे को। प्लीज़ आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सका तो, शेयर करिए, ठीक है ना। ये देखो, ये मेरी भांजी के कपड़े हैं और देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं। देखो मैं बोली ना आप लोगों को, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, चार मीनार पे देखो आप ना जाके, बच्चे एक से एक डायलॉग मार के बोलते हैं आप लोगों को, जो ड्रेस आज चल रहे ना इसके, ऐसा पुकारते। आप लोग जहाँ से भी शॉपिंग करने या घूमने के लिए हैदराबाद को आएंगे ना, आप लोग प्लीज़ चार मीनार, टोली चौकी, मल्लापल्ली, ये तीन जगह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइए, और लाड़ बाज़ार, शहरान, बखूर, जो आप लोगों को ईतर सेंस वगैरह जो भी होना ना, आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते। हाँ, मल्लापल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे दुकान है, बखूर, ईतर वगैरह के। अगर मैं गई इंशाल्लाह मैं वहाँ के भी आप लोगों को वीडियोज़ लेके डालूँगी अपने ब्लॉग्स में। हाँ, ये देखो, ये मेरे भांजे के हैं कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह है, जो मैं पटेल मार्केट पत्थरगट्टी पे से ली हुई हूँ। आप लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं, मालूम ही है बच्चों के जेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे शेरवाइयाँ, कुर्ते पैजामे, शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और कम दाम में, रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। अपने पास ज़्यादा रेंज भी नहीं है ना देने के लिए, तो बहुत कम से कम में भी अपन चुका के भी ले सकते हो लोगों ने, इतना अच्छा ट्रेंडिंग माल रहता वहाँ पे। बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। प्लीज़ आप लोग जाइए वहाँ पे, या शॉपिंग कहीं आप वहाँ घूमने के लिए भी, ट्रैवल करने के लिए हैदराबाद में आए तो भी आप वहाँ प्लीज़ पूरा चार मीनार फिर के देखिए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे चीज़ें रहेंगे, आपको एक से एक चीज़ मिलेगी चार मीनार पे, हर वो चीज़ मिलेगी आपको जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अभी मैं आज भी जा रही हूँ शॉपिंग को इफ्तार के बाद इंशाल्लाह। कल हमारे कॉलोनी में तरावी हो गई है, दुआ इतनी अच्छी हुई, मैं सॉरी वीडियो आप लोगों को आवाज़ सुना नहीं सकी मस्जिद के मुअज्जम की। इंशाल्लाह फिर अगले साल अगर हो सका, आप लोगों का सपोर्ट रहा हम लोग को, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करूँगी यहाँ पर प्लीज़। और आज मैं इंशाल्लाह मैं अपनी शॉपिंग के मेरे बच्चों के लिए जाऊंगी, आप लोगों को इसकी वीडियो में कल डालती हूँ, ठीक है ना। अब हो रहा नमाज का, असर का नमाज का टाइम हो रहा है, देखो बच्चे नमाज गुजारे। अब मैं भी नमाज पढ़ के इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी करना है। देखो टाइम हो गया 5:30 हो रहे, अब टाइम हो रहा 6:00, इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा, अब इफ्तार की तैयारी भी करना है। अब ये देखो इफ्तार की तैयारी चल रही, और हमारे पास आज कॉलोनी में भी इफ्तार दावत है, लेकिन पूरी फैमिली की है, लेकिन लेडीज़ तो नहीं जा रहे, जेंट्स जा रहे बस हमारे पास से। और आज मेरे भाई की, मेरे तीसरे भाई की दुकान की ओपनिंग भी है, कॉफ़ी कैफे नाइट बोल के शॉप डाले उन्होंने एक सन सिटी में, जो कि लंगरोस के आगे डिपुखा ब्रिज पास है। दुआ करिए अल्लाह ताला उनकी कमे में बरकत दियो बोल के। और ये हमारे कॉलोनी की मस्जिद है जो वो, और वो साइड पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान रखे हुआ है, अभी जो उसका फर्स्ट फ्लोर बन रहा, ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट है। फर्स्ट फ्लोर पे इंशाल्लाह मदरसा बनने वाला है बच्चों की तालीम के लिए, वहीं पे रहना जो हाफिज़े कुरान बनना चाह रहे हैं जो। तो देखिए ये हमारी कॉलोनी की ओपन स्पेस है, घर के पास के पीछे का एरिया है।
कितने बढ़िया डाले थे, क्या हाल हो गया बेचारों का, धूप में सूख सूख के। तो देखो दो दिन पहले से डालना पड़ता बढ़िया, कैसा भी सुखाने के वास्ते कि चावल के बढ़िया। इंशाल्लाह मैं धनिया के मिर्चियाँ भी डाल के सुखा के आप लोगों को बता दूँ, और धनिया के मिर्चियाँ भी डाले तो आप लोगों को वीडियो डाल के बता दूँ, ठीक है ना। देखो मेरी भांजी डॉल लोगों को ले लेके खेलते रहते, ये इसकी फेवरेट डॉल है, ये ले लेके सोती खेलती खाती, उसके साथ बैठ के उसको भी खिलाती, इसको तो कोने में डाल देती हूँ मैं। देखो और उसका फेवरेट है डियाना बस। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गई, पूरे नमाज़ों को भी गए, अब मैं भी नमाज़ पढ़ के बर्तन धोने ठहरी। मगरिब की नमाज़ हो गई, मैं कॉलोनी में बाहर निकली। लोग देखो कॉलोनी की हमारी आज लाइट इच नहीं खोले कोई भी, सब भागे इफ्तारियाँ करने के वास्ते। ये देखो कॉलोनी की लाइट आ गई, और ये कॉलोनी पूरे नमाजों में है। वो इनकी लाइट ब्लर हो रही, देखो। चलो तो फिर मैं इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इंशाल्लाह हम भी सबके हक़ में दुआ करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़।